शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डेयर क्यों नहीं लिया? हा? मतलब मुझे ना तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक डेयर देनी थी और फिर मजा देखना था, पर तुम भी ना बार बार ट्रोथे ले रहे थे, क्यों? हाँ, मुझे लगा कि मुझे सब सच बता देना चाहिए तुम्हें, इसलिए। एक मिनट, तुम मुझे ट्रूथ के बारे में पूछ रही हो, लेकिन तुमने भी तो डेयर नहीं लिया। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी चीज की शुरुआत ना, खासकर रिलेशनशिप की, कभी भी सच बोलने से होनी चाहिए। मतलब जो भी सच है ना वो बोल देना चाहिए, फिर देखा जाएगा। पर तुम कुछ ज्यादा ही सच बोल रही हो, ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं सीधे बोल देती हूँ। तुम ना कुछ ज्यादा ही बेधड़क बोल देती हो, मैं इस तरह बात नहीं कर सकता। हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन सिर्फ अभिषेक से, और किसी से ऐसे बात नहीं करता। और हाँ, मैंने अभिषेक के बारे में सब कुछ सच बताया है, कुछ भी नहीं छुपाया। मालूम है मुझे। और वो सारा सच तुमने ही मुझसे कहलवाया। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे ही होते हैं ना, जो भी हो सीधे बोल दो, साफ, मतलब झूठ नहीं, इंसानों की तरह नहीं, छुपाना, फिर कभी कभी झूठ बोलना, कभी कभी बोलना ही नहीं। हम लोग ऐसे नहीं होते हैं, मन एकदम नो फिल्टर होते हैं। ओके। वो मिया खलीफा कौन है? अरे क्या आइटम है वो सच। हाँ? कुछ नहीं छोड़ना। मिया खलीफा ना? बहुत पसंद है ना तुम्हें? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो बताओ ना मुझे, कैसी दिखती है वो? अरे लड़कियाँ जैसी दिखती हैं वैसी दिखती है। उसमें क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? अरे अरे अब मैं क्या बोलूँ। बहुत पसंद है ना तुम्हें? कुछ भी। अच्छा ये बताओ कि पहली बार कहाँ देखा था उसे? देख मैं उसके बारे में ना कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है? क्यों नहीं? क्योंकि मेरा और अभिषेक का सीक्रेट है। तुम्हारे पास कुछ तो होगा ना उसका? अरे क्या बोल रही है? मतलब फोटो? नहीं है मेरे पास। सच बोलो ना। नहीं रखता मैं, कुछ भी नहीं, मेरा फोन साफ, कुछ भी नहीं। पक्का? सच में। ओके। पर कौन सी साइड? ये पटेली बंद कर यार। एक तो फोटो होगी ना? नहीं है ना। मुझे तुम्हारा ये आइडिया सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब शादी करने से पहले हम एक दूसरे से मिले, बातें करें, जाने एक दूसरे को, कंपैटिबिलिटी चेक करें। एक्चुअली आजकल हर कोई यही करता है, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि शादी से पहले हम एक दूसरे के साथ एज अ कपल टाइम स्पेंड कर पाए। है ना? हाँ मतलब हम लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं। हाँ ऑफकोर्स एक दूसरे को पसंद करते हैं इसीलिए, और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे हैं, और ऑफकोर्स धीरे धीरे प्यार भी करने लगेंगे। अच्छा मुझे तुमसे कुछ पूछना था। देखो मैं पहले से ऐसा सोचता था कि मुझे किसी से प्यार व्यार तो होने वाला है नहीं, तो मम्मी और पापा जहाँ भी मेरी शादी तय करेंगे वहाँ मैं सेटल हो जाऊँगा, और मतलब मेरा ऐसा प्लान था। लेकिन तुम्हारे जैसी लड़की अरेंज मैरिज करेगी, मतलब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ एक्चुअली मुझे भी ताज्जुब हो रहा है, पर पता नहीं क्यों, पता है ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर मुझे ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। क्या मतलब? देखो ना, अरेंज मैरिज के बाद कपल एक दूसरे को धीरे धीरे जानने लगते हैं और समझने लगते हैं, उनके मूड स्विंग्स,
उनकी आदतें कुछ चीजें सरप्राइज करती हैं तो कुछ डिसअपॉइंट करती हैं, पर फिर भी धीरे धीरे जब एक एक पन्ना खुलता है तो सब कुछ जानना अच्छा लगता है ना। सो आई थॉट ये पसंद आएगा मुझे। पसंद तो मुझे भी आएगा। मैं जानती हूँ तुमने शादी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, पर शादी के बाद तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए इस बारे में सोचा है कभी? शादी के बाद की बात? मैंने कभी नहीं सोचा। हम दोनों एक दूसरे से कई मामलों में अलग हैं। अब देखो ना, तुम्हारी जो सोच है वो मेरी सोच से तो बिल्कुल ही अलग है। फिर भी क्यों तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? सच बताऊं? प्लीज। एक्चुअली जब मुझे मम्मी पापा ने सारे प्रोफाइल्स दिखाए, मतलब वो सारी प्रोसेस, और जैसे ही तुम्हारा प्रोफाइल देखा तब मुझे लगा कि ये सचमुच बहुत ही अलग लग रहा है। और तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई। और तुमसे मिलने के बाद लगा कि तुम बहुत ही सीधे हो, सच्चे हो। हाँ, मेरी जॉब बहुत ही अलग है। मैं जहाँ काम करती हूँ वो बहुत ही अलग जगह है। मैं ये नहीं कहूंगी कि फेक, पर थोड़े आर्टिफिशियल से लोग हैं। मतलब काम पर ऐसा ही होता है, प्रोफेशंस में ऐसे ही होते हैं, पर अब ऐसा लगता है कि वो सारे क्योस में से जब आकर तुमसे मिलूंगी तब बहुत शांति मिलेगी। बाय द वे, हमारी पहली मुलाकात के बाद तुम काफी डर गए थे ना? थोड़ा सा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज इट, पर तुमने मुझे फोन किया। क्यों? सच बोलूं? अपनी पहली मीटिंग के बाद मैंने घर जाकर बहुत सोचा इस बारे में, और एक जरूरी चीज मेरे मन में आई कि आज तक मैं जिन जिन लड़कियों से मिला हूं, मतलब जिन्होंने मुझे ना कह दिया है, उन्होंने हमेशा मुझसे झूठ ही कहा था। मतलब उनकी आंखों से पता चलता था कि वो कहना कुछ और चाहती हैं और कह कुछ और रही हैं, और ये सब मैं उनकी आंखों में पढ़ सकता था। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे पहली मीटिंग में सब कुछ सच बता दिया था, और सच कह रहा हूं, मुझे वो बात सच में बहुत अच्छी लगी थी कि तुमने सच कहा। तुम में वो हिम्मत है कि तुम सच बोल भी सकती हो और सामने वाले को सच सुना भी सकती हो। हर कोई ये नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जो प्रॉब्लम से मुंह छुपाकर कहीं भाग जाऊं। मतलब फ्यूचर में अगर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैं उस वक्त उन प्रॉब्लम से दूर नहीं भागूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ डटा रहूंगा और उनका हल ढूंढूंगा। सच्ची? 100%। तो क्या लगता है, घर वालों को बता दें कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है? मुझे लगता है हमें और मिलना चाहिए। तुम्हें और टाइम चाहिए ऐसा कह रही हो तुम? नहीं, मतलब तुम अभी भी श्योर नहीं हो? मैं श्योर हूँ, पर मुझे मिलना अच्छा लगेगा। जानती हो मेरी एक फैंटेसी है। मैं चाहता हूँ कि मैं मालदीव जाऊं और वहां पर मैं बीच पे खाऊं। मालदीव? हाँ। इतनी दूर? हाँ। अगर जुहू जाएंगे तो क्या बुरा है? जुहू? कुछ भी बोलती है। you know, मुझे ना बीच से ज्यादा हिल स्टेशन पसंद है। स्विट्जरलैंड या तो कश्मीर भी चलेगा। हाँ ठीक है, हिल स्टेशन जाएंगे। खाना बना लेती हो तुम? फैंटेसी से रियलिटी पर आ गए। हाँ तो सब कुछ तुम्हारी पसंद के हिसाब से हो रहा है, मेरी पसंद का तो कुछ होना चाहिए ना। खाना बनाना आता है ना? नहीं नहीं। अरे मैं किचन में काम करने वाली लड़की नहीं हूँ, प्लीज। अरे लेकिन मुझे सिर्फ घर का खाना पसंद है। ठीक है, रोटी बना दूंगी। तो मैं सिर्फ रोटियां खाऊं? सब्जी भी बना दूंगी। क्या, सिर्फ सब्जी रोटी खाऊं? कभी कभी कुछ और भी बना दूंगी। फिर ठीक है।
एक मिनट, हम जितनी बार मिले ना उतनी बार तुम कागज में ना कुछ लिखा करती थी। वो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है मतलब? मतलब मैं वो तुम्हें नहीं दिखा सकती। लेकिन क्यों? वो मेरा सीक्रेट है। देख, हमने डिसाइड किया है ना कि हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। चल दिखा। ओके। हाँ दिखाओ, दिखाओ ना। यहाँ से देखो ना। अरे बाप रे, क्या ये? वो क्या ना, हर लड़की की फैंटेसी होती है हस्बैंड के बारे में, मतलब होने वाले पति को लेकर। तो वही तुम्हारा कुछ मैच होता है क्या? वही देख रही थी मैं। लुक्स, रसगुल्ले जैसे गाल हैं, हाइट, हग करना आसान है लेकिन किस करने के लिए स्टूल लगेगा। रियली? हाँ मतलब, वरना तुम्हें हमेशा मेरे आगे झुकना पड़ेगा। ए, मैं कुछ झुकने वुकने वाला नहीं हूँ। वो तो हम देखेंगे। हाँ ठीक है। एडिक्शन, शादी के पहले दिन से ही मैं उसकी सिगरेट छुड़वा के रहूंगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई, मैं समझ गया ना। ओके। सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में तो बात ही मत करो। मेरे जोक्स गंदे होते हैं क्या? मतलब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही गंदा है? हाँ? हाँ, क्या लिखा है उस पे? यही कि इसके बारे में बात मत करो। इस लड़की का एक भी अफेयर नहीं था, इसका मतलब ये है कि सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं यार, मुझे पता है सब कुछ। रोमांस जानता हूँ। सच में? हाँ? हाँ, तुमने वो कविता सुनाई थी ना? हाँ। हाँ। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी कविता थी। मुझे ऐसा लगता है कि हम वहाँ चले। ए, रुकना। ए, मेरी बात सुन। नहीं, मुझे नहीं रुकना। ए, नहीं। अरे सुन, मुझे कुछ भी नहीं सुना। मेरी बात सुन। ओके, देख, ये सब छोड़, मेरे मन की बात नहीं, सुन। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुना। शिवानी, नहीं, मैंने शेक्सपियर की किताबें पढ़ी हैं, उसके प्ले देखे। मुझे कुछ भी नहीं सुना, क्या कह रहा है तुम्हें? देख, उसमें क्या होता है? क्या होता है बोलो? मैं शुरू से बता। अरे सुन, अरे मुझे कुछ नहीं सुना, मैं सब जानती हूँ। अच्छा चल। हाँ ठीक है, बोलो।